हेलो एवरीवन, अल जायका फूड्स किचन की जान महफिल की शान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटे ब्रेड पकोड़े, वो भी हलवाई स्टाइल में। रिमझिम बारिश पड़ रही हो और बहुत ही सुहाना मौसम हो तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, गरम गरम चाय और गरम गरम पकोड़े, और पकोड़े में हो ब्रेड पकोड़े। आप देख सकते हैं कि हमारे पकोड़े बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने हैं और ये बहुत ही चटपटे बिल्कुल फूले फूले मज़ेदार बने हैं। तो आइए देख लेते हैं हम अपने पकोड़े कैसे बनाते हैं। ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए ये मैंने 5 आलू लिए हैं। इनको मैंने 2-2.5 घंटा पहले उबाल लिया था और उबाल के फ्रिज में रख दिया है, ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। ठंडे आलू से क्या होता है कि हमारी स्टफिंग बहुत अच्छी बनेगी और हमें इसे भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले से आलू उबालने से इसका मॉइस्चर उड़ जाता है और ये जब ठंडे हो जाते हैं तो हम इसको आराम से बना लेते हैं। आलू छीलकर हम एक बाउल में कर लेंगे और इसको हम फिर बाद में दिखाते हैं आपको। देखिए हमारे सारे आलू छिल गए हैं। अब आप किसी फोक से या चम्मच से इनको फोड़ लें या मेशर ले लें और उनसे दबा दबा के इसको सारा मेश कर लें। देखिए इससे बहुत इजीली मेश हो जाते हैं। इसको साफ़ करके हम हटा देते हैं और फिर इसमें हम मसाले मिलाएंगे। ये हमने कुछ मसाले लिए हैं। 1/2 टीस्पून सरसों लिए, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है। ये सभी मसाले हम इस भुरते में डाल देंगे। इन मसालों के साथ और भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है और ये थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ लिए हैं, आधी प्याज लिए और 1 टमाटर को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये सारे मसाले भी इसी में डाल देंगे। ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारे ब्रेड पकोड़े ज़्यादा ऑयली बनते हैं और ये ज़्यादा अच्छे फूले फूले नहीं बनते। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपके ब्रेड पकोड़े ना ही ऑयली बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में तैयार होंगे। ब्रेड पकोड़े की स्टफिंग हमने अच्छे से बना ली तो हमारे ब्रेड पकोड़े भी बहुत अच्छे बनेंगे। हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर एक और चीज़ और डालेंगे, वो है हींग। ये हम 1/2 टीस्पून डालेंगे। हींग से 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये हमारे ब्रेड पकोड़े में टेस्ट देगी और दूसरा ये डाइजेस्ट का भी काम करेगी। जो हम ब्रेड पकोड़े खाएंगे वो हमें बिल्कुल भी भारी नहीं होंगे और जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएंगे। हमने 5 आलू हैं, इतनी स्टफिंग में हमारे 8-9 ब्रेड पकोड़े बहुत आराम से बन जाएंगे। स्टफिंग हमारी पूरी रेडी हो चुकी है, इसे ढककर एक तरफ रख देंगे और इतने हम अपनी चटनी पीस लेते हैं। चटनी के लिए मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, ये फ्रेश धनिया की पत्तियाँ हैं, और ये 3 हरी मिर्चें ली हैं। ये मोटी वाली मिर्च है और ज़्यादा तीखी भी नहीं होती, और 5-6 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। ये 3 टीस्पून मैंने फ्रेश दही लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। इससे हमारी चटनी बहुत अच्छी टेस्टी और मज़ेदार बन जाएगी। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और इसको कवर करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कितनी मज़ेदार और स्मूथ सी हमारी चटनी बन गई है। इसको एक छोटी प्याली में हम निकाल लेंगे। ये किसी भी पकोड़े के साथ आप खाएं तो बहुत अच्छी मज़ेदार लगती है। ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसमें 1 चुटकी हम फूड कलर डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। ये मैंने बारीक वाला बॉम्बे बेसन लिया है। चक्की वाला बेसन बहुत मोटा होता है और ज़्यादा ऑयली ब्रेड पकोड़े बनते हैं, बॉम्बे बेसन से ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म करेंगे।
अच्छा ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हमें घोल के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा घोल अच्छा बना होगा तो ब्रेड पकौड़ा भी अच्छे बनेंगे। बेसन अगर गाढ़ा होगा तो ब्रेड पकौड़े पे अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाएगी और ये ब्रेड पकौड़े टूट भी जाएंगे। और अगर बेसन हमारा पतला हो गया तो ये ब्रेड पकौड़ा हमारा ज़्यादा ऑयली भी बनेगा और अच्छे से तेल में बिखर जाएंगे और बूंदे बूंदे सी हो जाएंगे। क्वार्टर टीस्पून इसमें सोडा डालेंगे, ये मीठा सोडा है, इससे ब्रेड पकौड़े फ्लफी और मज़ेदार बनेंगे। इसको भी डालकर हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने 4-5 मिनट इसको बेसन को फेंटा है, देखिए कितना अच्छा हमारा घोल तैयार हुआ है। ना ही हमारा बेसन गाढ़ा है ना ही पतला है, बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड पकौड़े के हिसाब से बना है। इसे भी एक साइड रख देंगे। ब्रेड में स्टफिंग भरने के लिए ये चॉपिंग बोर्ड लेंगे और इसके ऊपर हम ब्रेड के स्लाइसेस रखेंगे। स्टफिंग भरने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले हम स्टफिंग को बीच सेंटर में रखेंगे और फिर चारों तरफ हम फैला लेंगे। बीच के सेंटर में हम थोड़ी स्टफिंग ज़्यादा रखेंगे ताकि ऊपर से स्लाइसेस बहुत अच्छे से चिपक जाए और ये तेल में बिल्कुल भी नहीं खुले। आप चम्मच या फोक की मदद से भी कर सकती हैं, लेकिन ये हाथ से बहुत अच्छे से हम लगा लेते हैं। हलवाई भी हाथ से लगाते हैं। खूब बढ़िया से हम चारों तरफ स्टफिंग लगा देंगे। आप इसके ऊपर पनीर भी रख सकते हैं। इसके ऊपर आप ब्रेड चिपका देंगे और ब्रेड को ऊपर लगा के इसके ऊपर हाथ से हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ब्रेड हमारा खूब अच्छे से चिपक जाए। हलवाई लोग तो ये पूरा ब्रेड ऐसे ही फ्राई कर देते हैं, लेकिन ये घर में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। दोनों ब्रेड हमने काट लिए हैं, इसी तरह से हम सारे ब्रेड बना लेंगे। और गैस चूल्हे पर हमने ऑयल गरम करने रख दिया है। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा हॉट नहीं करना, सिर्फ हल्का सा गरम करना है। और जब ये गरम हो जाए तो इसमें एक एक करके ब्रेड पकौड़ा लगाएंगे। कढ़ाई में हमने 2 ब्रेड पकौड़े डाले हैं और 2-3 मिनट तक हम इसी तरह रहने देंगे। फिर उसके बाद हम जब एक तरफ से हमारा ब्रेड सिक जाएगा तो हम इसको आहिस्ता से पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा ना ठंडा रखना है ना बहुत ज़्यादा गर्म, हमें मीडियम हॉट तेल में ये फ्राई करना है। ये ब्रेड पकौड़े हमारे सिक चुके हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल से, कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। इसे हम निचोड़ के निकाल देंगे। इसी तरह से हम और भी ब्रेड पकौड़े फ्राई कर लेंगे। हमारे ब्रेड पकौड़े बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी तेल ऑब्जर्व नहीं किया है। इसी तरह हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। बरसात का मौसम हो और रिमझिम बारिश पड़ रही हो तो गरम गरम ब्रेड पकौड़े चाय के साथ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। देखिए कितने फ्लफी और मज़ेदार हमारे ब्रेड पकौड़े बने हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल से। अब तो हम बाज़ार से नहीं मंगाएंगे, घर में ही बनाएंगे। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से ये ब्रेड पकौड़े बना लिए हैं। आप भी किचन में जाइए और फटाफट इसी तरह से ब्रेड पकौड़े तैयार कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़ुबान पर स्वाद रखना, दुआओं में याद रखना। अपनी आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।